हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स फॉर दिस लास्ट डे ऑफ द मंथ यानी कि 28 फरवरी। तो पहला टॉपिक आपके सामने इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल, इंडिया रैंक्स 42 इन 55 कंट्रीज ऑन इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स, यानी कि रिसेंटली इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स को पब्लिश करा गया है जिसमें से कुल 55 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं और उसमें से भारत का रैंक 42वां है। ठीक है, तो जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, इंडिया का रैंक 42 है अमंग 55 लीडिंग ग्लोबल इकोनॉमीज ऑन द रिसेंटली रिलीज्ड इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स। साथ साथ में आप देखोगे कहीं ना कहीं इसको रिलीज कैसे किया जाता है, तो एनुअली रिलीज किया जाता है यानी कि हर साल रिलीज किया जाता है बाय यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ऑप्शन जब आता है तो कई बार वो पूछ लेते हैं कि इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स जो है उसको कौन रिलीज करता है, तो वहां पर कई बार ऑप्शन में वो वीपो भी दे देते हैं कि आपको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए कि ये गलत होगा। ठीक है, बिकॉज द करेक्ट आंसर इज यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स और ये एनुअली निकालता है इस रिपोर्ट को। साथ साथ में आप देखोगे तो ये जो इंडेक्स है वो अक्रॉस में 55 ग्लोबल इकोनॉमीज की बात करता है, 50 इंडिकेटर्स में, ये आपको नहीं इंपॉर्टेंट है, याद रखने के लिए जरूरी नहीं है। वो इंडिकेटर्स में क्या क्या होता है, तो जो पेटेंट वगैरह कराया जाता है, साथ साथ में जो कॉपीराइट की पॉलिसीज होती हैं उसको कवर किया जाता है। यानी कि पेटेंट का मतलब क्या कि अगर आपने कोई भी चीज बनाया है जो कि आपका अपना है, आप चाहते हो कि कोई भी उस चीज को आप फर्दर जो है वो अपने टैग से ना जोड़ करके दे, यानी कि दार्जिलिंग का टी, तो उन्होंने पेटेंट करा रखा है, वो दार्जिलिंग का टी उन्हीं के नाम से बिक सकता है, कोई अपना उसको नहीं फ्लेवर दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा मतलब कॉपीराइट पॉलिसीज ताकि कमर्शियलाइज किया जा सके आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट्स का और रेटिफाई किया जा सके इंटरनेशनल ट्रीटीज का। नेक्स्ट आप देखोगे ये जो इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं देशों को हेल्प करता है ताकि वो ब्राइटर इकोनॉमिक फ्यूचर ला सके, साथ साथ में इनोवेशन के तरफ काम कर सके, क्रिएटिविटी के तरफ काम कर सके और एक दूसरे के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ा सके। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स जो है 2023 का, उसमें यूएस का रैंक जो है वो पहला है, ऑफकोर्स यूएस का रैंक आपको पहला मिलेगा, इसके अलावा यूके है, फिर फ्रांस है और भारत का रैंक जो है वो 42nd है। आपको इतना नहीं पता होना चाहिए, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए इंडिया का रैंक 42nd है, यूएस से टॉप पे है, टोटल 55 कंट्रीज हैं और निकालता, कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये रेफर करता है क्रिएट करने का माइंड वगैरह, जैसे कि लिटररी और आर्टिस्टिक वर्क्स वगैरह, डिजाइंस, सिंबल्स, किस तरीके से नेम्स वगैरह और इमेजेस। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं लीगल राइट्स वगैरह देने की बात करता है और अलग अलग तरीके से पेटेंट वगैरह, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन सबको प्रोटेक्शन देने की बात करता है। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने, FATF ने साउथ अफ्रीका को और नाइजीरिया को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ साथ में कहीं ना कहीं रशिया को वो सस्पेंड कर दिए हैं FATF के लिस्ट से, तो इस वजह से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये जो बॉडी है ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इसको हम देखते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसको रिसेंटली जिसने रशिया के मेंबरशिप को भी सस्पेंड कर दिया है, इस वजह से ये चीज न्यूज में है। FATF क्या है इसको हम देख लेते हैं, तो FATF जो है वो इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग और स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट्स के बीच की ये बॉडी है जहां पे पॉलिसीज को बनाया जाता है, साथ साथ में स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाता है ये बॉडी, और जो कि डेडिकेटेड है ताकि ये कॉम्बैट कर सके मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वगैरह, यानी कि कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने का और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को एलिमिनेट करने का ये काम करता है। इसके अलावा आप देखोगे तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये एस्टैब्लिश करने की बात करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वगैरह ताकि कहीं ना कहीं डेवलप किया जा सके, पॉलिसीज को प्रमोट किया जा सके, साथ साथ में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पे ये चीज किया जा सके ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को और टेररिज्म को जो फाइनेंसिंग किया जाता है उन सब से टैकल किया जा सके। इसको एस्टैब्लिश किसने किया था, तो 1989 ये ईयर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, और इसको G7 समिट में लाया गया था पेरिस में, यानी कि इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो आपको फ्रांस के पेरिस में मिल जाएगा। 1989 में G7 कंट्रीज के द्वारा लाया गया था, इनिशियली ये जो था वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ही था, बाद में इसको टेररिज्म वगैरह के लिए जोड़ा गया था, यानी कि 2001 में इसको एक्सपेंड किया गया था। तो स्टेटमेंट बेस में कभी आ सकता है कि 1989 से ही इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग को बढ़ावा मतलब ना देने का, तो आपको पता होना चाहिए कि उस वक्त वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, मतलब इसी के, तो हेडक्वार्टर्स जो है वो पेरिस फ्रांस हमने देख लिया है, इसमें कुल 39 कंट्रीज हैं जो कि सदस्य हैं इसके 39, जिसमें से यूएसए, इंडिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस, ये सारे के सारे जो है वो इसके सदस्य हैं, यानी कि इंडिया, चाइना भी इसके मेंबर्स हैं। भारत जो है वो 2010 में इसका मेंबर बना था, यानी कि ये बॉडी 1989 से है, तो फाउंडिंग मेंबर अगर आ जाए कि इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ FATF, तो आपको पता होना चाहिए कि वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए
ठहरिए। अब FATF का ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट क्या होता है इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी हमने देखा कि साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया को ग्रे लिस्ट में डाला गया है, तो अगर वैसे भी क्वेश्चन आए तो पता होना चाहिए। अभी FATF का दो प्रकार का लिस्ट होता है, पहला होता है ब्लैक लिस्ट, जिसको उसमें जो कंट्रीज रहती हैं उनको कहा जाता है नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज या टेरिटरीज, यानी कि बिल्कुल भी ये देश जो है वो कोऑपरेट नहीं करते हैं, ठीक है, किस चीज में, कि मतलब टेररिज्म वगैरह में या फिर मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह में। इसके अलावा ये जो कंट्रीज हैं वो सपोर्ट करते हैं टेरर फंडिंग को, आतंकवाद को ये बढ़ावा देते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का काम करते हैं, ऐसी गतिविधियों में पाए जाते हैं, इस वजह से ये जो कंट्रीज हैं इनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देखोगे ग्रे लिस्ट की बात, तो ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज हैं जो एक सेफ हेवन माने जाते हैं, जैसे कि वो सपोर्ट करते हैं टेरर फंडिंग वगैरह को और मनी लॉन्ड्रिंग को, और इस वजह से इनको ग्रे लिस्ट में रखा गया है। जैसे पाकिस्तान, आप देखोगे कहीं ना कहीं वो पनाह देने का काम करते हैं आतंकवादियों को, इस वजह से सेफ हेवन वाली कॉन्सेप्ट। और ये जो इंक्लूजन है वो एक वार्निंग है किसी भी कंट्री को कि वो फर्दर ब्लैक लिस्ट में भी डाले जा सकते हैं। और आपको बता दें कि तीन मुल्क हैं नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार, जो कि करेंटली ब्लैक लिस्ट में हैं FATF के। तो तीन देश भी शामिल हैं जो FATF के ब्लैक लिस्ट में आते हैं, नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार, ठीक है। चलिए कॉन्सिक्वेंस क्या होगा अगर कोई मान लीजिए कंट्री ब्लैक लिस्ट में चला ही जाए, जैसे ये तीन कंट्रीज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा ये देख लेते हैं। कोई भी फाइनेंशियल एड जो है वो नहीं दिया जाता है IMF के द्वारा या फिर वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और इवन ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और यूरोपियन यूनियन, मतलब कि कुल मिलाकर के कहीं से भी कोई फाइनेंस का गुंजाइश मत रखिएगा, चाहे फिर आप IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, यूरोपियन यूनियन, कहीं से भी आपको फाइनेंस का कोई फंडिंग नहीं मिलता नजर आएगा। इसके अलावा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दिया जाता है और सैंक्शंस भी लगा दिया जाता है उस पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर। तो इस वजह से FATF का जो ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा टॉपिक हमने इन डिटेल में डिस्कस किया है, आप अगर UPSC के भी प्रीलिम्स में बैठते हो तो इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। रीजन बीइंग कि हमने कहा इस इनिशिएटिव को लगभग हम महीने भर से कंप्लीट कर चुके हैं और एक महीना पूरा हो चुका है इस डेली करंट अफेयर्स के इनिशिएटिव को। आप लोग कितना सिंसियरली देख रहे हो, लेकिन अगर जो लोग सिंसियरली एक महीने से ही सही इस करंट अफेयर्स के इनिशिएटिव को फॉलो कर रहे हैं, आप अपने इंप्रूवमेंट में खुद में देख रहे हो कि किस तरीके से आपका नॉलेज जो है वो स्टैटिक हो या करंट हो काफी बढ़ा होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा होगा। तो जो लोग चाहते हैं फर्दर कि इस तरीके से हम ऐसे वीडियोस लाते रहे, प्लीज सपोर्ट भी करिए हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, कोल्स के बारे में जिक्र किया गया है कि किस तरीके से कोल्स जो है वो मध्य प्रदेश में एक इंपॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटी है। तो चलिए कोल ट्राइब की बात कर लेते हैं, ये बिलोंग करते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, यानी कि आपको नाम से ही समझ आ गया होगा कोल मध्य प्रदेश वाले रीजन में। ओवरऑल सहारा माता के ये डिसेंडेंट्स माने जाते हैं, यानी कि मदर ऑफ द कोल। साथ साथ में आप देखोगे तो इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में है और इसके अलावा कुछ हद तक आपको ओडिशा और महाराष्ट्र में भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश तो टॉप मोस्ट है लेकिन ओडिशा और महाराष्ट्र में भी थोड़ा आबादी आपको मिल जाएगा। कोल जो है वो लोकल भाषा हिंदी बोलते हैं, लिखने का देवनागरी, ठीक है। चलिए फिर आप देखोगे ये जवारा फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं। कई बार पूछा जाता है कि कौन सी ट्राइब जो है वो इस फेस्टिवल को मनाती है, ठीक है। तो जवारा फेस्टिवल कोल ट्राइब के द्वारा और कोल ट्राइब मध्य प्रदेश वाले रीजन में। चलिए नेक्स्ट हम आपको बता दें कि जो जवारा है वो एक पेड़ के नाम से उसका नाम पड़ा हुआ है, जो कि स्प्रिंग और विंटर के हार्वेस्ट के समय में आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब विंटर के समय में बोया जाता है, हार्वेस्ट स्प्रिंग के समय में होता है। नाउ कोल रिवॉल्ट काफी इंपॉर्टेंट है या कोल अपराइजिंग, हिस्ट्री में आप पढ़िएगा इसको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसके बारे में हम जिक्र लेते हैं कि कोल्स जो कि ट्राइबल पीपल हैं छोटा नागपुर वाले रीजन में, और ये जो रिवॉल्ट है वो अंग्रेजों के खिलाफ करते हैं 1831 में, 1831 में कोल अपराइजिंग जो है वो देखने को मिल जाएगा। और ये जो रिबेल चलाया जाता है कोल्स के द्वारा वो कौन कौन लीडर होता है, बुद्धू भगत होते हैं, ठीक है, साथ साथ में जोआ भगत होते हैं, जिंदारी होते हैं, मदरा महातो होते हैं, ये सारे जो है वो ब्रिटिश रूलर्स के खिलाफ में अपना बगावत जो है वो छेड़ते हैं, लेकिन मेन जो नाम है वो बुद्धू भगत का है। आपको पता होना चाहिए कोल रिवॉल्ट के प्रमुख लीडर जो है वो ये माने जाते हैं, और सन कौन सा है 1831। चलिए नेक्स्ट टॉपिक उनयिंग फेस्टिवल, तो फेस्टिवल के ऊपर भी क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं। उनयिंग फेस्टिवल कहाँ का है, तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग और वाटरवेज और आयुष मंत्रालय ये दोनों मिलकर के सियांग उनयिंग फेस्टिवल जो है वो मना रहे हैं, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि हमारे देश के
उस बॉर्डर पे जो चाइना के साथ में भी बॉर्डर शेयर करता है और आदि कम्युनिटी के द्वारा। अगेन आई सेड, जैसे अभी हमने कोल्स का पढ़ा जवारा फेस्टिवल मध्य प्रदेश, वैसे ही उनियंग फेस्टिवल कम्युनिटी कौन सी है, आदि कम्युनिटी, ये आपको नजर आ रहे होंगे। और साथ साथ में अरुणाचल प्रदेश भारत का जो रीजन है वहां पे ये फेस्टिवल आपको देखने को मिल जाएगा। उनिंग जो है वो एक स्प्रिंग फेस्टिवल जब आता है उसको लेकर के मनाया जाता है, और साथ साथ में आदि कम्युनिटी का ये नया साल को भी मनाते हैं। इसके अलावा आप देखो कि इनका ओरिजिन कहाँ है आदि कम्युनिटी का, तो सदर्न चाइना, चाइना का जो सदर्न हिस्सा है वहां से 16वीं सेंचुरी से आए हैं। साथ साथ में ये लोअर दिबांग वैली जो है वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे, और अरुणाचल प्रदेश के रोइंग और दाम्बुक एरियाज में। इसका ऑक्यूपेशन आप देखोगे तो ये एग्रीकल्चर पे ही मोस्टली डिपेंडेंट होते हैं, राइस कल्टिवेशन और शिफ्टिंग झूम कल्टिवेशन पे, और एक्सपर्ट्स जो है वो केन और बैम्बू आइटम्स बनाने में भी काम करते हैं। फिर आप देखोगे सोलुंग एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है जहां पे एनिमल सैक्रिफाइस होता है, और अरान एक वो हंटिंग फेस्टिवल है जहां पे मेल मेंबर्स जो हैं फैमिली के वो हंटिंग के लिए जाते हैं। तो ये दोनों मेजर फेस्टिवल्स भी आदि ट्राइब्स का ही है, तो सोलुंग और अरान भी आदि ट्राइब्स का ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा और लास्ट टॉपिक आज का, इंडियाज फर्स्ट म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एनएससी ने लॉन्च किया है भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स। तो इसके बारे में आइए आपको बताते हैं कि ये ट्रैक करेगा किस तरीके से परफॉर्मेंस है। तो ये कहीं ना कहीं बॉन्ड के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने का काम करेगा जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा इशू करा जाता है। साथ साथ में ये एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग्स भी है, डबल ए कैटेगरी में इसको क्रेडिट रेटिंग का भी दिया गया। अब म्युनिसिपल बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। म्युनिसिपल बॉन्ड एक बॉन्ड का ही प्रकार होता है जो कि इशू करा जाता है लोकल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर म्युनिसिपैलिटी के द्वारा। कोई शहर कर सकता है, कोई देश कर सकता है, और कोई राज्य कर सकता है, ठीक है। यानी कि इसको इशू करने का काम लोकल गवर्नमेंट के पास में भी होता है, यानी कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देना। और जब ये एंटिटीज को पैसों की जरूरत होती है तो किसी भी प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए, मानो कहीं पे स्कूल्स बनाना हुआ, कहीं पे सड़कें बनानी हुई, कहीं पे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना हुआ, तो ये ऐसे बॉन्ड्स को इशू कर सकते हैं और पैसे उधार में ले सकते हैं इन्वेस्टर्स के द्वारा। ये एक तरीका होता है। इसके अलावा जो म्युनिसिपल बॉन्ड मार्केट है वो तीन मतलब फोल्ड राइज हुआ है, ठीक है, तीन गुना बढ़ा है ये फंड 2017 के बाद से, और कुल मिलाकर के 6,000 करोड़ के आसपास का 2022 तक हो चुका है। पहला जो म्युनिसिपल बॉन्ड भारत में इशू करा गया था वो करा गया था अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा, जो कि 1998 में आपको मिल जाएगा, और इंदौर पहला सिटी है। अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर ली जाएगी फर्स्ट में, तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ईयर 1998 और सिटी में इंदौर है। ओवरऑल ये पूरा का पूरा टॉपिक था डेली करंट अफेयर्स का हमारा। उम्मीद करते हैं आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, काफी कुछ आप यहां से सीख करके जा रहे होंगे। आपको कुछ कंटेंट में चाहिए, कुछ फीडबैक आपका हो तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा हमारे इस इनिशिएटिव को। और फर्दर काफी सारे एग्जाम्स पास में है तो हम नए कुछ यूनिक इनिशिएटिव्स भी आप तक लाने वाले हैं, लेकिन तब तक के लिए बस आपका सपोर्ट जो है वो इस चैनल को जरूरी है, तो वो बनाए रखिएगा। और बाकी एज आई सेड कि ये एक महीने का इनिशिएटिव हो चुका है, तो जो लोग सिंसियरली पढ़ रहे हैं वो आगे चलें, और जो नहीं आज से भी स्टार्ट किए हैं तो जब जागो तभी सवेरा। लेकिन हाँ, अगर हम इस वीडियो को डेली ला सकते हैं तो आप इस वीडियो को डेली फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को सिंसियरली देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और एग्जाम के ठीक बाद आप कहिएगा कि ये इनिशिएटिव जो है वो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिशियल समझ में आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल काफी आप लोग समझदार हैं बाकी के, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सबके साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।